आज जो मेरे पास प्रोडक्ट आया हुआ है इसके अंदर है गेमिंग लैपटॉप। फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ओमन से तो आप समझ ही गए होंगे ये किस ब्रांड का लैपटॉप है। भाई देखने में बहुत सॉलिड लैपटॉप लग रहा है। और इसके अंदर है कि ये क्विक गाइड है, चार्जर है और ये पावर केबल है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये लैपटॉप है एचपी की तरफ से, एचपी ओमन 16 गेमिंग लैपटॉप। तो चलो जानते हैं इस लैपटॉप के बारे में क्या खास है, क्या नया है और ये वाला जो लैपटॉप है किन लोगों के लिए है, सारी चीजें कौन बताएगा। ऑफकोर्स सबसे पहले एक बार इसको ओपन करके देखते हो, ये हटाते हो तो जो सबसे फर्स्ट लुक इसका आता है, इस लैपटॉप को फर्स्ट टाइम देखने पे ऐसा लग रहा है एकदम रफ एंड टफ लुक है इसका। मतलब जो बिल्ड है एकदम सॉलिड होगा, एकदम रगेड टाइप का लैपटॉप। इसकी जो थिकनेस है 23.5 mm है, थिकनेस इसकी ठीक है, डिसेंट है, मतलब ज्यादा मोटा भी नहीं ज्यादा पतला भी नहीं है। इसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी साइड पे जरूर है। फ्रंट साइड में यहाँ पर ओमन लिखा हुआ है और इसमें यहाँ पर मैट फिनिश दे रखी है। एचपी के इस लैपटॉप में न्यू वेंट स्क्वायर डिजाइन है एंड लुक वाइज देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। इवन इसका जो टच ऑन फील है वो भी प्रीमियम है और इसका ये जो फ्रेम है ये मेटल है। इसका फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, डिस्प्ले देखने में काफी बढ़िया लगता है। इसके साइड में और ऊपर के साइड में जो बेजल्स है काफी मिनिमल है। इसमें 16.1 इंच की एक फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल है और इसका एक बिगेस्ट प्लस पॉइंट इसमें 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। अभी तक मैंने जितने भी लैपटॉप टेस्ट किए हैं उनमें ज्यादातर आपको 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में इसका जो डिस्प्ले है सुपर स्मूथ है। इसका डिस्प्ले क्वालिटी देखते हैं, ओहो क्या बात है, डिस्प्ले में कलर्स देखो यार। हालांकि ये एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है बट स्टिल जो कलर्स आपको देखने को मिलते हैं डिस्प्ले में बहुत ही प्यारे हैं, ब्यूटीफुल कलर्स है। सेम इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल कलर प्रोड्यूस कर रहा है। ब्राइटनेस टेस्ट करते हैं, मैंने लोएस्ट कर दी, ये देखो भाई लोएस्ट पे भी ये विजिबल होता है, 100% मैक्सिमम ब्राइटनेस है, ब्राइट इनफ लग रहा है। इसमें आपको 7 मिलीसेकंड का रिस्पांस रेट मिलता है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही फास्ट रिस्पांस रेट है, मतलब आप एक क्लिक करोगे आपको क्विकली रिस्पांस मिल जाएगा। और यस 100% sRGB कलर गैमुट है इसमें। डिस्प्ले में जो बॉर्डर्स देखने में बहुत ही नैरो लग रहे हैं और ये पूरा फ्लैट स्क्रीन है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं, इसमें आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। एक बार इसके साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं, लाउड है, क्लियर है, ये 100% है। साउंड क्वालिटी भाई लाउड है। लेफ्ट साइड में दो यूएसबी टाइप सी है और ये 3.5 mm जैक है। इस साइड ये पावर पोर्ट है, ये ईथरनेट पोर्ट है, एचडीएमआई दे रखा है और यहाँ पर यूएसबी पोर्ट है और एक और पोर्ट है राइट हैंड साइड में यूएसबी पोर्ट। इसमें चार कूलिंग वेंट है, एक राइट साइड में है, बैक साइड में दो है, एक ये रहा और एक ये रहा और एक लेफ्ट हैंड साइड में ये रहा। तो सारे इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पोर्ट इसमें है। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड है इसमें, वो भी 4 zone RGB के साथ। ये देखो अंधेरे में अगर आप कीबोर्ड को यूज करते हो तो आपको एकदम गेमिंग वाली लुक एंड फील देता है ये। और इसमें आप ये जो कीज देख रहे हो ये सारे के सारे एंटी घोस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अगर आपको नहीं पता बता दो शॉर्ट और क्विक में। इसका मतलब ये है कि इसमें जितने भी कीज आपको दे रखे हैं ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। बाकी इसका जो टच पैड है ये भी मुझे काफी वाइड लगा, मतलब आप ऐसे यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें एक स्मूथ और एक प्रीमियम फील है। ओके एक बार इसका वेबकैम चेक करते हैं, फ्रंट में फुल एचडी वेबकैम है ये तो। और पिक्चर क्वालिटी देखो भाई, लैपटॉप के वेबकैम के हिसाब से बहुत अच्छी है। सही में इसका जो वेबकैम की क्वालिटी मुझे बहुत ही सही लगी। और एक चीज अच्छी लगी, हाँ वेबकैम के साइड में आपको ये शटर भी दे रखा है प्राइवेसी के लिए। ये एचपी का ट्रू विजन 1080p फुल एचडी IR कैमरा है और वेबकैम में टेम्परल नॉइज रिडक्शन भी दे रखा है, मतलब इसमें अगर आप जूम कॉल्स वगैरह करते हो तो क्वालिटी तो आपको वेबकैम की अच्छी मिलेगी। इसके साथ ही आपको जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। फ्रंट साइड में इंटीग्रेटेड डुअल एरो डिजिटल माइक्रोफोन है, एक ये रहा एक ये रहा, मतलब अगर आप वीडियो कॉल्स वगैरह करोगे, जूम मीटिंग्स कॉल्स करोगे तो सामने वाले का जो वॉइस आपकी एकदम क्लियर आएगी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको AMD का Ryzen 7 सीरीज का प्रोसेसर है। ये AMD Ryzen 7000 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है। और अगर आपको नहीं पता ये जो Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर है जनरली परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। लाइक अगर आपको प्रोडक्टिविटी करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, उसके लिए वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर आपको पेरो गेमिंग करनी है तो ये जो प्रोसेसर है काफी पावरफुल होता है। इसमें Zen 4 आर्किटेक्चर है फ्रॉम AMD और अप टू 5.1 GHz क्लॉक स्पीड है, 16 MB की L3 कैश है और 8 कोर्स है एंड 16 थ्रेड्स आपको इसमें मिलते हैं। AMD के इस Ryzen प्रोसेसर में वर्ल्ड का फर्स्ट डेडिकेटेड AI हार्डवेयर है। इस लैपटॉप में आपको फ्रीडम टू अनप्लग मिलता है। बेसिकली ये एक स्मार्ट पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली डिजाइन किया गया है आपको डिलीवर करने के लिए एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम। और परफॉर्मेंस के मामले में कोई शक नहीं है, AMD Ryzen के जो 7 सीरीज के प्रोसेसर होते हैं भाई इनमें जो परफॉर्मेंस होती है वो सॉलिड होती है, मतलब आपको एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है इसमें। गेमिंग के लिए इसमें NVIDIA का GeForce RTX 4060 GPU है, 8GB GDDR6 डेडिकेटेड ग्राफिक्स है इसमें। तो ग्राफिक्स एंड CPU दोनों ही इसमें पावरफुल है। और अगर आपको नहीं पता ये जो
ग्राफिक्स है, ये सेगमेंट में फास्टेस्ट ग्राफिक्स है। इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें कुछ गेम्स खेले थोड़ी देर के लिए, और जो मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिला भाई वाओ, लाइक जो ग्राफिक्स है, जो FPS है वो टॉप नॉच था। तो गेमिंग के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में इस लैपटॉप में जो परफॉर्मेंस है सॉलिड है। 16GB की आपको इसमें DDR5 RAM मिल जाती है, और इसका जो मल्टीटास्किंग है वो एकदम स्मूथ है। लाइक एप्स के बीच में जो स्विच है वो क्विकली हो जाता है विदाउट एनी लैग, और इसकी रीड राइट स्पीड भी फास्ट है। 1TB का आपको इसमें SSD मिलता है। और एक चीज मुझे इस लैपटॉप की बहुत ही अच्छी लगी, मैं इसको टेस्टिंग कर रहा था तो सुबह के टाइम मैंने इसको फुल चार्ज किया, और इवनिंग तक भी भाई इसका जो बैटरी है वो बिल्कुल लो नहीं हुआ। मतलब बैटरी बैकअप इस लैपटॉप का बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको 6 cell की 83 Wh बैटरी मिलती है, ये आपको अप टू 8 hours का बैटरी बैकअप दे देता है, डिपेंड करता है आपकी यूसेज पे। ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और सेफ्टी की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ये लैपटॉप एनर्जी स्टार सर्टिफाइड है, ब्लूटूथ 5.3 इसमें और वाईफाई 6 है। अगर आपने कभी भी ओमन के लैपटॉप यूज किए हैं, HP के लैपटॉप यूज किए हैं, तो ओमन के जो आफ्टर सेल सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छी रहती है। मतलब अगर कोई दिक्कत हो आप वेबसाइट पे जाओ, रजिस्टर करो, कंप्लेंट डालो, 10 मिनट के अंदर आपको कॉल बैक आ जाता है, और व्हाट्सएप पे 24/7 इंस्टेंट सपोर्ट भी है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो 2 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये लैपटॉप बेसिकली किन लोगों के लिए? अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है, आपको एक सॉलिड बिल्ड वाला लैपटॉप चाहिए, सबसे बड़ी बात आपको गेमिंग करनी है, एक गेमिंग वाला लैपटॉप देख रहे हो, तो HP का ये जो ओमन 16 गेमिंग लैपटॉप है एक बार इसको चेकआउट जरूर कर लेना, आपको पसंद आएगा। अगर आप इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हो, प्राइस जानना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसके साथ मैं कूपन कोड भी दे दूंगा जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ऐसे आप HP के वर्ल्ड स्टोर जो ऑफलाइन स्टोर है वहां पर जाकर भी इस लैपटॉप को एक बार चेकआउट कर सकते हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई डेफिनेटली ये एक सॉलिड गेमिंग लैपटॉप बन जाता है। अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप देख रहे हो, परफॉर्मेंस सेंट्रिक लैपटॉप देख रहे हो, डेफिनेटली इस लैपटॉप को एक बार चेकआउट करना बनता है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और नीचे कमेंट बताना आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, या फिर आप HP का कोई भी ओमन गेमिंग लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो नीचे शेयर करना मैं पढ़ूंगा। वीडियो को फैला देना, बाकी मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।